तो क्या आपको ओआरओपी टू के एरियर के पेमेंट का कोई मैसेज आया है? देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओआरओपी टू के अंतर्गत जो टोटल एरियर आपका पेएबल होगा कितने रुपए हो गए, इसके जो मैसेजेस हैं वो आने लगे हैं और उसके मैं आपको यहाँ पर क्लियरली शो भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको इस टाइप के मैसेज रिसीव होंगे जिसमें आपका टोटल एरियर अमाउंट कितना बना है वो आपको मैसेज के थ्रू बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ हमेशा सही और सटीक जानकारी शेयर करें। अब चाहे बात स्पर्स पेंशन पोर्टल की हो, लाइफ सर्टिफिकेट की हो या फिर PCDA ऑफिशियल वेबसाइट की किसी नोटिफिकेशन की। तो यहां पर देखिए कुछ मैसेज हमारे पास इस टाइप का आता है, जहां पर आप देख ही सकते हैं कि मैसेज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा। मैं एक बार आपको क्लियरली बता देता हूं कि क्या रहता है। यहां पर देखिए डियर और आपका रैंक और नेम शो होगा, फिर यहां पर आपका शो होगा योर पेंशन अंडर ओआरओपी हैज बीन रिवाइज्ड विद इफेक्ट 1 जुलाई 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पेंशन आपका बढ़ करके आया उसके लिए भी सेपरेटली मैसेज गया है लोगों को और उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अभी ये वाला जो मैसेज है ये आपके ओआरओपी टू के टोटल एरियर को लेकर के आया है। तो इन दोनों चीजों को तो आप समझ ही गए होंगे कि टोटल एरियर जो आपको मिल रहा है जैसे NAC के लिए या फिर अदर रैंक्स के लिए, तो टोटल अमाउंट का जो मैसेज है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है और जिसमें आपका पेंशन बढ़ करके आ रहा है, यानी कि जो आपका रिवाइज्ड हुआ है तो उसका एक अलग मैसेज आ रहा है। तो उसके बारे में तो ऑलरेडी हमने बता दिया है, अभी हम बात करेंगे टोटल एरियर की। तो यहां पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग ओआरओपी के अंतर्गत जो पेंशन आपका रिवाइज्ड हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, टोटल एरियर पेएबल इज इक्वल टू 1 INR और ये INR में कितने रुपए आपको मिल रहे हैं, ये देखिए यहां पर इन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन कर दिया, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं टोटल एरियर्स। तो देखिए मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो ओआरओपी के अंतर्गत आपका जो टोटल पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है, और ये उन्होंने ब्रैकेट में ये भी दिया है कि ये टोटल एरियर है, मतलब कि ये आपका पूरा कंप्लीट एरियर है। और उसके साथ एक लाइन इन्होंने और ऐड किया जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये बात तो पक्की हो गई कि आपको जो एरियर है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए और इसलिए तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि IESM की तरफ से ऑलरेडी एक केस फाइल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उसका फैसला 24 फरवरी को आने वाला था जो कि टल चुका है और अभी इसका फैसला जो है वो मंडे को आएगा। तो देखते हैं मंडे को जो भी अपडेट आएगा आपको तो पता ही कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। एनीवे अभी ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि टोटल एरियर एंड विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो जाहिर सी बात है आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ऑलरेडी बहुत सारे पेंशनर्स को मिल गया है और उन्होंने हमें कमेंट करके भी बताया। अगर आपको पेंशन नहीं मिला या एरियर बढ़ करके नहीं मिला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उस पे कंटेंट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। एनीवे अब उसके आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने मैसेज में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट नोटिफिकेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली टीम स्पर्स, यानी कि देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो मैसेज आया है ये स्पर्स टीम की तरफ से आया है और यहां पर ये क्लियरली कह दिया गया है कि आपका टोटल एरियर इतना बनेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सेपरेटली चला जाएगा। तो जब जब आपको एरियर मिलेगा इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल मैसेज पे जाएगा। अब बात ये आती है कि ये तो मैसेज स्पर्स की तरफ से आया है, अब जिन पेंशनर्स का डेटा जो है वो बैंक्स में लाइक कहने का मतलब ये है कि स्पर्स में माइग्रेट ही नहीं हुआ है, उनका पेंशन अभी भी बैंक से आ रहा है, तो उनको क्या ये एरियर मिलेगा? जाहिर सी बात है मिलेगा। और हमने देखिए पहले के वीडियो में भी बताया कि चाहे आपका पेंशन बैंक से आए या फिर स्पर्स पेंशन पोर्टल से आए, आपका ओआरओपी टू का जो टोटल एरियर बनेगा वो तो मिलना ही मिलना है। हाँ ये बात जरूर कही जा रही है कि 1 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या 4 में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल भी रहे और बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। अब जाहिर सी बात है कि जो अब इसका फैसला क्या आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बैंक से पेंशन आए या स्पर्स से आए, आपको ओआरओपी टू का टोटल एरियर भी मिलेगा
और पेंशन भी आपका बढ़ करके आएगा। वैसे जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि यहां पर देखिए माइग्रेशन स्टेटस का एक ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, ये पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल होता है, आप यहां पर जाकर के चेक करें। ताकि क्योंकि क्या होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरा डेटा जो है वो अभी बैंक में ही है, मेरा डेटा माइग्रेट नहीं हुआ, और आप चेक नहीं करते। लेकिन जब आप चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पे एग्जैक्ट पता होगा कि आपका डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम अगर बात करें टोटल एरियर की, तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी मिला है लोगों को और मिल भी रहा है, तो इसके बारे में जिन लोगों को नहीं मिला है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब एक जरूरी चीज है कि देखिए जिनका पेंशन बढ़ करके आ रहा है उसके लिए ना कोरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट हुए हैं। तो कोरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करने के लिए देखिए मैंने बहुत बार आपको बताया कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करेंगे, यहां से आपको बस अपना कैप्चा कोड देना होता है जो कि आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद जस्ट आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सच में बहुत आसान है। आप देख ही सकते हैं यहां पर आपको पेंशन स्लिप का मैसेज मिल जाएगा और यहां पर आपको कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आ जाता है। यहां पर एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आपका पेंशन कितना बढ़ करके आया है, वो आप अपने कोरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ईटीएच इंडिया को फॉलो किया हुआ है तो हमने सारी चीजें ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली पहले ही बताया हुआ है। तो फटाफट से मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जो टोटल एरियर का अमाउंट है ये वाला मैसेज कितने पेंशनर्स ने रिसीव किया है, और जिन पेंशनर्स को ये मैसेज नहीं आया आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई एडवाइस या कुछ आपको सुझाव देना है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत्यकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।